अक्सर हम अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए फेस मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार हम कई ऐसी जरूरी चीजें फेस मास्क के अंदर डालना ही भूल जाते हैं जो कि उनके लिए मेन होती हैं। आइए जानते हैं कि अगर आप भी अपने लिए फेस मास्क का प्रयोग करती हैं और उसे घर पर बनाती हैं, तो आपको उसके अंदर कौन कौन सी जरूरी चीजों को जरूर डालना चाहिए। टिप नंबर 1 है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्व और विटामिन सी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अगर आप फ्रूट फेस पैक बना रही हैं या फिर फ्रूट फेस मास्क बना रही हैं, तो स्ट्रॉबेरी को अच्छे तरीके से क्रश करके उसके अंदर जरूर मिलाइए, क्योंकि इसका इस्तेमाल चेहरे पर करने से चेहरा काफी ज्यादा सॉफ्ट और रेडिएंट हो जाता है। टिप नंबर 2 है सेब। पके हुए सेब को अच्छे तरीके से पानी के अंदर बॉईल कर लीजिए ताकि वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद आप उसे मैश कर लीजिए और अपने फेस मास्क के अंदर जरूर मिलाइए। ये त्वचा को ताजगी और अच्छी रंगत देता है। टिप नंबर 3 है कोकोनट मिल्क, यानी कि नारियल का दूध। नारियल का दूध आप अपने फेस पैक के अंदर अच्छे तरीके से मिलाइए। ये चेहरे की डीप क्लीनिंग करने के लिए काफी अच्छा है। अगर चेहरे पर बहुत ज्यादा गंदगी जमा है और आपने लंबे समय से स्क्रबिंग नहीं करी है, तो आपको नारियल का दूध अपने फेस पैक के अंदर जरूर मिलाना चाहिए। टिप नंबर 4 है एवोकाडो। एक पके हुए एवोकाडो को अच्छे तरीके से मैश करके अपने फेस पैक के अंदर मिलाइए। इसके अंदर फैटी एसिड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसीलिए स्किन को ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाकर रंगत भी देता है और त्वचा को चमकदार भी बनाता है। टिप नंबर 5 है अंडे का पीला भाग। अगर आप अपने फेस पैक के अंदर अंडे का पीला भाग मिलाते हैं, तो ये आपके चेहरे को अच्छे तरीके से साफ करता है और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो ये एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करता है। सो दोस्तों, ये है कुछ ऐसी जरूरी चीजें जो आपको अपने फेस पैक के अंदर जरूर मिलानी चाहिए। तो आगे से आप जब भी फेस पैक बनाए, तो इन जरूरी चीजों को कभी ना भूलें। मेरी ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।